कैलेंडर बदलने के लिए भले ही एक पूरा साल चाहिए, लेकिन लोगों की सोच बदलने के लिए सिर्फ एक जज्बा ही काफी होता है। स्त्री शक्ति मंच है ऐसी स्त्रियों का, जो अपनी सोच, साहस और संघर्ष से दुनिया का नजरिया बदलती आई है और लोगों के लिए प्रेरणा बनती आई है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत। स्त्री शक्ति को सलाम करती। हमारी आज की जो मेहमान है, उनके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है कल्पना सरोज, आज की एक कामयाब बिजनेस वुमन। इनकी कंपनी कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एनुअल टर्नओवर है 3,000 करोड़। कल्पना सरोज ने तरक्की के हर मुकाम को छुआ और आज इनकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। इतनी सफलता, इतना नाम, इतनी शोहरत, ये सब इनको विरासत में नहीं मिला है, ये सब इन्होंने कड़ी मेहनत से कमाया है। आज की इस सफल बिजनेस वुमेन का कल कुछ ऐसा था। कई लोगों का मानना है कि स्त्रियों का काम सिर्फ घर की देखभाल करना होता है, पर कल्पना जी जैसी स्त्रियों ने अपनी शक्ति, साहस और सामर्थ्य से इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि स्त्री घर के साथ साथ बिजनेस भी चलाना जानती है, समाज की तरक्की में हाथ बटाना जानती है। तो तालियों से स्वागत कीजिए अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन कल्पना जी। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्त्री शक्ति के मंच पर। अच्छा कल्पना जी, एक बात बताइए, आज आपकी कंपनी की कमाई 3,000 करोड़ है, आपके बचपन में आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे, उनकी पगार 300 रुपये थी, तो जाहिर सी बात है कि 300 रुपये में हम 3 बहनें, 2 भाई, मेरे दादाजी, चाचा जी, सब मतलब उसी परिवार में उस 300 रुपये में पलते थे, तो आप समझ सकती थी कि परिस्थिति कैसी होगी। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई कैसे हुई, किस तरह से? पढ़ाई खैर ठीक नहीं हुई, क्योंकि उस ज़माने में, मतलब आज से हम 50 साल पीछे अगर जाते हैं, तो वैसे भी मतलब स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता था जी, क्योंकि समाज ये सोचता था कि स्त्रियों को पढ़कर करना क्या है, आखिर चूल्हा चक्की के सिवा है क्या, तो इस तरह से था ही। और उस पर से मैं दलित समाज से थी, तो फिर मेरी समाज की तो बात ही कुछ और थी। मेरे मामा जी तो ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक तो खैर है ही नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा देर घर में रखना मतलब जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया आपके घर वाले ज़्यादा नहीं चाहते थे कि आप पढ़े लिखे, पर आपकी खुद की इच्छा थी आगे पढ़ने की? बहुत इच्छा थी मेरी पढ़ने की, मैं मतलब अपने स्कूल में काफ़ी एक होशियार स्टूडेंट समझी जाती थी। अच्छा। जी हाँ, और मैं काफ़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, पर बदनसीबी से मैं पढ़ ना सकी। बचपन में ही, उम्र के 12 साल में ही, मेरे मामा ने ज़बरदस्ती शादी का प्रस्ताव मेरे पिताजी के सामने रखा। मेरे पिताजी पुलिस हवलदार होने के नाते मतलब दुनियादारी जानते थे, समझते थे, तो वो चाहते थे कि बेटी मेरी कम से कम मैट्रिक तक पढ़े। उस ज़माने में मैट्रिक को अच्छा पढ़ाई समझा जाता था। तो 12 साल की एक छोटी सी उम्र में, जब बच्चियाँ अमूमन तौर पर गुड्डे गुड़ियों की शादी करती हैं, ऐसी उम्र में कल्पना जी की शादी हो गई। कल्पना जी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रही? मेरी शादीशुदा ज़िंदगी जिस तरह का सपना मैंने देखा था बचपन में ही सही, शादी तो खैर हो ही गई थी, तो सोचा था कि कुछ अच्छा घर होगा, परिवार होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो घर परिवार तो खैर ठीक था ही नहीं, छोटी छोटी बातों के ऊपर मारपीट, झगड़ा, फसाद, इस तरह से। अच्छा, मारने तक? जी जी जी, अगर मैंने खाना बना लिया, खाना भी बनाना था मुझे, कम से कम 10-12 लोगों का खाना बनाना था, एक 12 साल की बच्ची इतना सारा खाना बनाए, तो जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी गलती हो सकती है। मतलब एक 12 साल की बच्ची से वो लोग उम्मीद करते थे कि वो पूरा घर का, पूरी जिम्मेदारी संभाल ले और पूरे घर की सफाई कर ले, मैं पूरा, और छोटे बच्चे हैं
वो गंदा करते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, वो भी मुझे ही धोना है। मैं सारा काम कर लेती थी, लेकिन मुझ में भी एक छोटी सी एक ये था कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था वो बदबू वगैरह, वो बच्चों का साफ करने के लिए। तो इससे ज़िंदगी जैसे नर्क भरी ज़िंदगी जिसको कहा जाएगा, ऐसा सारा था। और फिर यही कोई 6 महीने में मेरे पिताजी आ गए। आप रोइए मत प्लीज़। हम समझ सकते हैं कि एक 12 साल की उम्र में एक बच्ची की एक्चुअली शादी हो जाती है और इस तरीके से उनके साथ बिहेव हो रहा है, और मैं महसूस कर सकती हूँ आपका क्या दर्द है। वो दर्द इतना भयानक है कि आज भी मुझे बात याद करते हुए रोना आ जाता है। आज कह दीजिए आपको जो भी कहना है, एक बार निकल जाएगा ना मन से तो आप बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि वो दर्द जो है नासूर बन चुका, वो नहीं होता। क्या बर्ताव करते थे वो लोग आपके साथ? मतलब एक बच्ची को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो इससे बुरा और क्या दर्द हो सकता है, बताइए ना आप मुझे। तो मेरे पिताजी जब मुझे मिलने के लिए आए, देखने के लिए, उन्होंने जब देखा तो मेरे पिताजी मुझे पहचान ना सके कि ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि बाल की सारी जटा बन चुकी थी, कपड़े फटे पुराने थे, मार खा खा के बिल्कुल मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तब फिर मेरे पिताजी कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा साथ में। तो उस पर भी उन लोगों ने बहुत मतलब झगड़ा फसाद किया उधर कि नहीं ले जा सकते तुम इस तरह से। फिर मेरे पिताजी मुझे वापस ले गए घर, और घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि भूल जाओ सब कुछ एक बुरा सपना समझ के। आप मायके वापस आ गई आप अपने पिता के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए? हाँ, आपके फिर पिताजी ने स्कूल में मुझे मतलब दाखिला दिलाया, फिर से स्कूल जाने लगी मैं। लेकिन वो फिर वो माहौल नहीं रहा पढ़ने की, वो जो उमंग थी आगे बढ़ने की वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इतना दर्द ज़िंदगी में देखा था तो मन में नहीं लगता था स्कूल में। फिर समाज जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप की बात करेगा, सहेलियाँ अलग टाइप की बात करेगी, एक्सेप्ट नहीं करता समाज। हाँ, तो इस तरह से जब बातें सुनती रही मैं, तो मुझे फिर लगा कि ये ज़िंदगी सब सही नहीं है, क्योंकि मरना आसान है, ज़िंदगी जीना ही कठिन है, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं फिर इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। और फिर मैंने पॉइज़न ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन पॉइज़न किसे कहते पता नहीं था, लेकिन हमारे गांव में खटमल वगैरह बहुत हुआ करते थे, तो खटमल मारने की दवा टिप20 कोई थी, तो मैंने जाके 3 बोतल ख़रीद ली कि कहीं कोई ये ना हो कि मैं थोड़ी जहर पहले पी लिया और बच गई। तो मैंने वो 3 बोतल पी लिया, सारा झाग बह रहा था मुंह से, क्योंकि 3 बोतल एक साथ पी लिया था ना। फिर आजू बाजू के लोग आ गए, फिर उन्होंने कहा कि इसने ये पॉइजन पी लिया है और ये मतलब डेंजर है, मतलब बच नहीं सकती, उम्मीद नहीं है बचने की, तो इसको अकोला लेके जाए। वो मुर्तजापुर की बात थी, मतलब तालुका का जगह था, बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था कोई। तो फिर हमारे पुलिस स्टेशन के जो PI थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये पुलिस केस हो जाएगा ना, मतलब जहर पीना जी, तो हमारे पुलिस वाले की बेटी है तो हमारे पुलिस स्टेशन की बदनामी हो जाएगी, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो भी है। तो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से अकोला से मुर्तजापुर में कोई डॉक्टर आए और इस लड़की को बचाए, तो काफ़ी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर ये लड़की बच गई तो खैर बच गई, नहीं तो फिर कोई कहाँ नहीं जा सकता। और काफ़ी कोशिशों के बाद में फिर मैं बची गई आखिर। लेकिन हुआ ऐसे कि बचने के बाद में भी जो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, तो उनकी बात में ये था कि क्या किया तूने, क्यों पिया जहर, अगर तू मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता कि महादेव की लड़की ने ज़रूर कुछ किया होगा जिसकी वजह से लड़की मर गई। और फिर वो बात मेरे दिल तक इतनी गहराई तक चुभ गई कि अब नहीं, अब मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि मर के कर मतलब अगर कुछ करके मरना है तो फिर कुछ करके जिएंगे क्यों नहीं। बिल्कुल, और उसी दिन से इसी बात पे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी ताली बजाएं। एक 13 साल की उम्र की बच्ची ने इतना सब देखने के बाद फिर से साहस जुटाया और वो दुनिया के सामने प्रूफ करना चाहती थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी कुछ अब करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ कोशिश कर ली काम करने की। मैंने सोचा मैं पहले तो पुलिस में ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो और उसी वक्त लेडीज़ पुलिस की पहली बारी मतलब वहाँ पर भर्ती शुरू हो गई थी, तो मैं खुद वहाँ के SP के पास गई और उनको मैंने कहा कि मुझे मतलब पुलिस में भर्ती करवा लो। तो उन्होंने देखा कि मेरी तो उम्र भी कम है, 18 साल की हूँ नहीं, और पढ़ाई भी मतलब सिर्फ 7 क्लास था। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मैट्रिक पास कर लो, फिर मैं तुमको डायरेक्ट PSI बना दूंगा।
ठीक है, और ऐसा करके उन्होंने जाने के लिए कह दिया। मैंने नर्सिंग के लिए कोशिश की, उसमें भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने ये भी सोचा कि क्यों नहीं मैं मिलिट्री में चली जाऊँ तो अपने देश के काम आ जाऊँगी। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी नहीं हो सका, उम्र और पढ़ाई दोनों कम पड़ रहे थे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि गाँव में कुछ भी नहीं है और ना कोई कंपनी है ना कुछ है। अगर कुछ है तो फिर वो खेती में काम करना होगा, और खेती में मुझे काम नहीं करना था। तो फिर मैंने माँ से कहा कि मैं मुंबई जाऊँगी, वहाँ पे बड़े बड़े मिल्स है, कंपनी है, तो किसी न किसी कंपनी में मैं काम कर लूँगी। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपने नहीं जाने दिया तो अब मैं ट्रेन के नीचे चली जाऊँगी, ताकि फिर बचने की कोई उम्मीद ही ना रहे, क्योंकि मुझे जीना है, कुछ करना है, अपने बलबूते पे रहना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना, दुनिया को कुछ कर दिखाना है। मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि इस लड़की को भेजो, क्योंकि इसके दिमाग पे पता नहीं, ये पागल हो चुकी है पता नहीं और कुछ कर ले, तो हम लोग इसको भेजते हैं। तो फिर मैं दादर में, यहाँ मेरे चाचा जी एक रहा करते थे जो आँखों से उनको कम दिखता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पापड़ बेचने का काम करते थे। दादर ब्रिज के नीचे रेलवे क्वार्टर्स है, तो वहाँ वो अक्सर अपना काम करते थे, पापड़ बेचते थे। तो किसी एक गुजराती फैमिली के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो उनको मैंने कहा कि मुझे सिलाई आती है, टीचिंग करना जानती हूँ मैं। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें होजरी कंपनी में ले जाता हूँ। तो फिर वो मुझे होजरी की कंपनी में वहाँ लेकर गए। तो मैं इतनी डरी हुई थी कि वो मशीन जब मुझे उसने दिया कि ठीक है काम करना जानती हो तो ये मशीन पे बैठो काम करो, जब मैं मशीन पे बैठी तो वो मशीन मुझसे हिलती भी नहीं थी, चलती भी नहीं थी, क्योंकि दिल दिमाग में इतना डर था कि हाथ पाँव काँप रहे थे, नहीं हो रहा था मुझे, मैं नर्वस हो गई थी बिल्कुल से। तो फिर वो जो वहाँ का इंचार्ज है तो उसने मुझे डांट दिया बुरी तरह से। फिर मुझे रोना आ गया, मैंने हाथ पाँव जोड़े उनसे कि नहीं मैं तो गाँव से आई हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी काम दीजिए लेकिन काम दीजिए। तो वो जो शख्स जो पड़ोस में था, वो गुजराती फैमिली के, वो जो मुझे लेकर गया था, तो बोला यार इसको कोई हेल्पर वगैरह का काम दे दो, लेकिन दे दो। तो हेल्पर का काम में 60 रुपये महीना, 2 रुपये रोज का वो धागा काटने वाला काम, जो सिल के आते थे कपड़े तो उसका जो एक्स्ट्रा धागा होता था तो उसको काटना है, तो वो काम फिर मुझे उन्होंने दे दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया वो, क्योंकि जब मेरे दिल से डर चला गया। तो ये लोग जब लंच के लिए चले जाते थे या टी टाइम में चले जाते थे ना, लड़के लड़कियाँ बाहर, तो मैं फिर चुपके से देखती थी कोई है ही नहीं है, तो ये मशीन मुझे क्यों नहीं आती है, आती तो है फिर मुझसे क्यों नहीं चल रही है। तो ये सोच के फिर मैं फिर से बैठ जाती थी वहाँ पर और मैं मशीन चलाने की कोशिश करती थी, तो मशीन फिर मेरे जैसे चलने लगी, क्योंकि डर निकल गया दिल दिमाग से। तो फिर मैंने उस इंचार्ज से कहा कि मुझे मशीन पे बैठना है और मैं कारीगर हूँ, मैं काम कर सकती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुम हेल्पर में हो तो ये महीना पूरा इसमें कर लो, फिर तुमको हम दे देंगे मशीन पे बैठने के लिए। एक महीने में मैंने वो काम किया, और एक महीने के बाद में मैं जब कारीगर बोलकर मशीन पे बैठी तो उस वक्त मैंने 225 रुपये कमाया। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार उस वक्त 100 रुपये देखे कि कैसे 100 रुपये होते हैं। कुछ लोग किस्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं, कुछ दौलत के और कुछ लोग ताकत के, पर सबसे आगे वही निकल पाते हैं जो मेहनत के भरोसे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2 रुपये रोज का कमाने वाली एक लड़की आज 3,000 करोड़ की मालकिन है। ये सब हुआ कैसे, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ आकर आपने सबसे पहले कमाई सिलाई से की, तो उसके बाद आप आगे कैसे पढ़ी? जब मेरे परिवार का एक बोझ नहीं कहा जाएगा, फर्ज कहा जाएगा जिसको, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी तो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, तो मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने उन्हें मुंबई बुला लिया यहाँ पर। तो घर में मैंने एक मशीन भी ले लिया, तो मैं घर में भी सिलाई शुरू कर दिया। मैंने घर में कुछ ब्लाउज़ बना लेती थी, कुछ ड्रेसेस बना लेती थी, क्योंकि मैंने वो सीख चुकी थी मैं गाँव में ही, और काम पर भी जाती थी। इसी बीच मेरी एक बहन थी जो बीमार हो गई, छोटी मोटी दवा कुछ करते रहे उसकी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो पेट में जो है वो कैंसर हो गया था। तो इतना बड़ा तो इलाज मैं कर ही नहीं सकती थी, सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने काफ़ी कोशिश फिर भी की कि जो भी बचता है उसके लिए मैं कुछ करूं। तो काफ़ी तकलीफ उस वक्त हुई जब मेरी बहन वो मर गई, तो तब मैंने सोचा कि पैसा कितना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि मेरे पास उस वक्त, मैं नहीं जानती थी कि वो कैंसर मैं बिठा सकती थी कि नहीं, लेकिन मुझे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मैं उसका इलाज नहीं कर सकी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, अब भी हमको पैसा चाहिए, तो पैसा कमाना है, कैसे कमाएंगे। तो फिर मैंने बहुत सोचा, तो मैंने सुना था कुछ गवर्नमेंट को स्कीम है, उसमें कुछ लोन मिलते हैं, तो मैंने उस लोन के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि किस तरह से डॉक्यूमेंट बनेंगे, किस तरह से लोन लिया जाएगा। माँ ज्योतिबा फुले जो गवर्नमेंट की स्कीम होती थी,
जो मीन्स जो दलित लोग हैं उनके लिए वो था, तो वो मुझे वहाँ पर लेकर गए और मैंने वहाँ पर लोन लिया। आपको लोन मिल गया, तो लोन के बाद फिर आपने उस पैसे से क्या किया? मैंने उस वक्त उसका एक फर्नीचर का दुकान ले लिया, मतलब दुकान भाड़े से लिया और फर्नीचर का शुरू किया। बुटीक का तो मैंने सोचा घर में दो तीन मशीन भी डाल दूंगी तो घर में ही चल जाएगा, उसके लिए दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वहाँ उल्लासनगर में ऐसे था ना कि वहाँ पर कुछ फर्नीचर बनता है फर्नीचर मार्केट में, तो जैसे गोदरेज के कपाट हुआ करते थे वहाँ पर, तो जैसे गोदरेज का कपाट अगर हम लोग लेने जाते थे तो 6-7 हज़ार में मिल जाता था, लेकिन वहाँ उल्लासनगर में 1.5-2 हज़ार में मिल जाता था और मार्जिन भी बहुत अच्छी मिलती और लोग आसानी से ले लेते, मतलब मार्केटिंग अच्छी थी। तो उस वक्त मैंने इस तरह से सोचा और मैंने फर्नीचर का उसके साथ में स्टार्ट किया। तो अब ये बताइए कि फर्नीचर के बिजनेस से आप रियल स्टेट में कैसे आ गए? एक लिटिगेशन में एक प्लॉट था कल्याण में, तो लिटिगेशन ऐसा था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुल सीलिंग सारे एक्ट लगे हुए थे, वो मुझे बाद में पता चले, पहले तो नहीं था। तो वो प्लॉट का जो मालिक था वो फिर मेरे पास में आया कि मैडम हमारी ज़मीन है ये बेचनी है तो आप इसको ले लो। तो वो लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं थे, 2.5 लाख रुपये में वो बेच रहा था, तो 2.5 लाख रुपये मैं कहाँ से उसको दूंगी? तो उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपये भी अभी मिल जाते हैं तो मतलब मेरा काम चल जाता है, बाकी के बाद में भी देंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ वहाँ से करके उसको कैसे भी 1 लाख रुपए दे दिए और वो ज़मीन जो है वो मैंने अपने नाम पे ले ली। लेने के बाद में जो 7-12 होता है तो मुझे नहीं पता है था कि 7-12 किसे कहते हैं, तो पहली बार उसने दिखाया ये 7-12 है, तो तब पता चला कि उसके ऊपर कुल सीलिंग सारे एक्ट लगे हुए हैं, मतलब बेच नहीं पा रहा, मतलब वो ज़मीन जो थी वो डिस्प्यूटेड। हाँ, ऐसे मैंने 1.5 साल तक उस पर मेहनत की वो कुल और सीलिंग निकालने के लिए। जब वो कूल और सीलिंग निकाल दिया तो उस जमीन की कीमत 2.5 लाख से 50 लाख हो गई। मतलब इनके साहस ने एक 2.5 लाख की जमीन को 50 लाख का कर दिया, कमाल है जी। फिर ये हुआ कि जमीन क्लियर हो गई तो उस प्लॉट का क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बिल्डिंग बनाएंगे कैसे क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो फिर मैंने एक पार्टनर को चुना, सिंधी पार्टनर थे मेरे, उनको मैंने कहा कि ठीक है ये ज़मीन मेरी है और बनाना आपको है तो कैसे परसेंटेज रहेगा, तो 65% उनके थे और 35 मेरे थे। इस तरह से हम लोगों ने वो बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में मैंने करीबन 4.5 करोड़ रुपए कमाए। अरे वाह। तो इस तरह से मैं मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलती रही। बहुत मज़ा आया आपका सफ़र सुन के, लेकिन अब एक एक सीक्रेट से आप एक पर्दा हटाइए कि आप कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मालकिन कैसे बन गई? कमानी के जो लोग थे 2000 में मेरे पास आए तो उसमें भी काफ़ी सारे लिटिगेशंस थे। जब लिक्विडेशन में जा रही थी तो उसका भी बड़ा ऐसा इतिहास रहा है क्योंकि हमारे देश की ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर को चलाने के लिए दी, मालिक को जीरो कर दिया और वर्कर को मालिक बना दिया। ये हमारे देश की पहली कंपनी ऐसी है और ऐसी कंपनी को वर्कर चला नहीं सके क्योंकि वर्कर वर्कर होते हैं आखिर, 3,500 मालिक अगर बन जाए तो काम कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सा सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ अच्छा ही सोच के इन लोगों के हाथ में दिया था कि ये लोग चला लेंगे, लेकिन नहीं चला पाए। तो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाने लगी तो वो लोग भी मेरे पास आए ऐसे ही, और अगर लिक्विडेशन में चली गई तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैडम आप इसको टेकओवर कर लो करके। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि क्यों नहीं कर सकती हूँ, जब मैं हर काम कर रही हूँ, मैं तो बिल्डर भी नहीं थी तभी मैं बिल्डर बनी कि नहीं, तो हर नया काम मेरे लिए एक नया चैलेंज था। तालियां। आज भले ही कल्पना जी की इस कंपनी की सालाना इनकम 3,000 करोड़ है, लेकिन इनकी इस तरक्की की बुनियाद बना वो 50,000 का गवर्नमेंट लोन। जब दिल में अपना कोई बिजनेस शुरू करने का एक जज्बा हो लेकिन पूंजी ना हो तो ऐसा लोन परिंदे को पर दे देता है। हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस चेतना सिन्हा जी, जो औरतों को ऐसे ही पंख बांटती हैं। ये चलाती हैं एक वुमेन बैंक। हेलो चेतना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें अपने बैंक के बारे में कुछ बताइए। सही, तो हम लोगों ने जो मानदेशी महिला बैंक की शुरुआत की वो एक छोटे से गांव से की थी, और उसकी वजह भी बहुत अलग थी। हमारे छोटे गांव में सातारा ज़िले में मसवड़ करके गांव है, वहाँ एक महिला आई और उसने कहा कि मुझे बचत करनी है और मेरा कोई भी बचत खाता कोई भी बैंक नहीं खोलती है। तो मेरे लिए ये एक सहज सवाल था कि ये महिला बचत करना चाहती है, बैंक अकाउंट खोलना चाहती है, बैंक क्यों नहीं खोलेगी?
मैं उसके साथ सब बैंकों में गई और पता किया, तो बैंकों ने कहा कि वो बहुत छोटा अमाउंट, बहुत छोटी रकम बचत करना चाहती है, जो हमें, हम उस, हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। कितनी कितनी छोटी? रोज 3 रुपये। अच्छा, तो रोज 3 रुपये, और कोई भी बैंक उसका अकाउंट नहीं खुल रही थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं बैंक शुरू की जाए, और ऐसे हम लोगों ने महिला बैंक, महिला कोऑपरेटिव बैंक मांड की शुरुआत की। हमने बैंकिंग लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक में एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने पे हमारी सब महिलाओं के अंगूठे थे, क्योंकि ये गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें उत्साह था बैंकिंग का, कर्ज लेने का, बचत करने का। जब इनके अंगूठे देख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हमारा बैंकिंग लाइसेंस को मान्य नहीं किया गया, मैं नर्वस होके अपने गांव वापस मसवड़ गई, और मैं सही तो बहुत रो रही थी। और मैंने महिलाओं से बात की, तो महिलाओं ने कहा कि क्यों, हमारा अंगूठा है इसीलिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है आज से हम पढ़ लिखना शुरू करेंगे। अरे, और हमारे गांव में लिटरेसी क्लासेस चालू हुए। उसके बाद 5 महीने के बाद हमने फिर से प्रपोजल दिया, रिजर्व बैंक में फिर से प्रस्ताव दिया, और उस वक्त फिर मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ महिलाएं भी आई। चीफ जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक के, उनके साथ अपॉइंटमेंट ले ली थी, और हमारी महिलाएं, हम RBI की ऑफिस में गए उनसे बातचीत करने के लिए। हमारी महिलाओं, मुझे नहीं मालूम था हमारी महिलाएं क्या कहेगी, लेकिन मैं ये इतना जानती थी कि हमारी महिलाओं को काफ़ी कॉन्फिडेंस है, काफ़ी आत्मविश्वास। तो उन्होंने दस्तखत करना भी सीख लिया था? जी, सिर्फ दस्तखत करना नहीं, थोड़ा फा बहुत पढ़ना लिखना, नंबर्स, आंकड़े, वो भी सीख लिए। तो जब महिलाओं ने RBI के ऑफिसर्स को कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें कोई भी रकम का ब्याज कैलकुलेट करने के लिए बोलो, ब्याज मोजने के लिए बोलो, अगर हम चूक गए, हमने गलती की, तो हमें लाइसेंस मत देना, लेकिन आप अपने ऑफिसर को बोलिए कि आप कोई भी रकम का कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के कीजिए, ये कौन पहले कर सकता है। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि बिना कैलकुलेटर के वो कैलकुलेशन कर सकती थी। तो ये सब सीखने के बाद हमारी मीटिंग, 15 मिनट जो हमें अपॉइंटमेंट मिली थी, वो 2 घंटे तक बहस हुई, चर्चा हुई, और हमें बैंकिंग लाइसेंस मिला। क्या बात है। और आज ये महिला बैंक सिर्फ बचत, कर्ज नहीं, पर पेंशन जैसी स्कीम भी गांव की औरतों के लिए करती है। और इतना ही नहीं, अगर महिलाएं बैंक में नहीं आ सकती है, तो बैंक महिलाओं तक पहुंचती है और डोरस्टेप बैंकिंग देती है। और ये हमारी पहली महिला बैंक है जिन्होंने इन महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन, 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है, और इन महिलाओं के लिए छोटे छोटे कर्ज की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मेरा नाम वनिता जालिंदर पिसे, मैं द्रोण और थाली का बिजनेस करती हूँ। ये बिजनेस मैंने मानदेशी महिला बैंक है, इसके बचत गट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके साथ मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। जब मुझे बड़ी मशीन खरीदने के लिए और इसे ड्रोन के कटोरी की भी मशीन खरीदने के लिए 2 लाख लोन दिया था उन्होंने, और बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिया, बिजनेस स्कूल से ट्रेनिंग दिया कि कैसा बिजनेस करने का, माल कैसा चाहिए और फिनिशिंग इसका कैसा चाहिए, पैकिंग कैसा चाहिए, इसका भी ट्रेनिंग बैंक ने दिया। मानदेशी रेडियो से हम हमारी जो बिजनेस है इसके ऐड करते हैं, और ये ऐड करने के बाद हमें बिजनेस चलाना बहुत आसान जाता है। हमारे बैंक में ऐसा एक लेटर आया था कि ऐसी कोई महिला है क्या तुम्हारे पास कि जो शक्ति से शक्ति, एक महिला दूसरों का, महिलाओं को संभालती है और उनका उधर निर्वाह करने के लिए झगड़ती है, ऐसी महिला कुछ है। तो हमारी जो चेतना मैम है उन्होंने मेरा ही नाम दिया था, और उसमें मैं 2006 में मुझे पुरस्कार मिला था। तब मैं बैंक में जाने के बाद उन्होंने वहाँ में बताया कि ये पुरस्कार पंत प्रधान के हस्ते मिलना है, दिल्ली को मिलना है। ऐसा कभी स्वप्न भी देखा नहीं था कि हम प्लेन से जाएंगे, कभी जो इतना दूर से हम प्लेन से जाएगा।
सबसे पहले मैंने जब बिजनेस शुरू की थी इतना तो कोई अनुभव नहीं था, इसलिए इतना फायदा नहीं होता था। अभी तो हमारा जो सब फुट प्रेस का मशीन थी और हैंड प्रेस का मशीन थी, इसलिए इतना प्रोडक्ट मैं निकाल नहीं सकती थी। अभी तो सब सेमी ऑटो मशीन है, इसलिए मैं प्रोडक्ट अच्छे तरह से निकालती है। इसलिए जो चेतना मैम की बैंक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मदद कर दी है। मेरा नाम लता राजू बंसोड़े, मैं मशीन चलाने का ऑपरेटर काम करती हूँ। ये काम में आते हुए कम से कम 12 साल गुजर गया। 12 साल गुजरते गुजरते थोड़ा बचत किया मैंने। मेरा पास एक छोटा सा मशीन है, उसका नाम है मिनी लिफ्ट। वो मशीन मैंने खुद खरीद किया है 4-6 महीने के बाद में। अभी मैंने दूसरा मशीन लिया है, वो थोड़ा मानदेसी बैंक का कर्जा लिया है दहीवड़ी का, और वो मशीन खरीद करके अभी हफ्ता भरने का कोशिश करती हूँ। मेरा घर का कंडीशन साहब बहुत मजबूरी में था। मेरा पति जो है वो ड्रग्स पीता है, एक छोटा सा बच्चा है, 12 साल हो गया छोड़ के गया है। गदा काम करने सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोच लिया कि गदा काम जरूर कर देंगे, लेकिन करके कुछ ना कुछ जरूर करके ही दिखाएंगे आदमी लोगों को। पहले कितना 1000-1200, 1500-2000 हफ्ता में मिलता था, अभी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये हफ्ता में मिल जाता है। मेरा नाम अनीता विट्ठल हिपकर है, मैं साइकिल रिपेयरिंग का काम करती हूँ। 2003 में मेरे पति अपाहिज हो गए थे, उस वक्त मेरे बच्चे भी काफी छोटे थे और मैं बाहर कहीं काम नहीं कर सकती थी, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू करना पड़ा। साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू करने के बाद घर की हालत में काफी सुधार आया। अब मेरे पति की हालत पहले से काफी अच्छी है। मैंने टेलरिंग का कोर्स किया और ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया। मंदेशी फाउंडेशन की मोबाइल बस आई और उन्होंने व्यवसाय करने का प्रशिक्षण दिया। जिसमें टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने किया। व्यवसाय शुरू करने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हम किराए के घर में रहते थे, लेकिन अब हमारी हालत में बहुत सुधार आया है। हमने अपने घर के लिए जमीन खरीद ली है और बहुत जल्दी अपना घर बनवाना है। पहले साइकिल रिपेयरिंग करके 3000 रुपए तक कमा लेती थी, पर अब ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग से मिलाकर मैं 10,000 तक कमा लेती हूँ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से चेतना जी के बैंक के बारे में, जो जो आपकी तरक्की के भी पीछे है? एक्चुअली तरक्की के लिए बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि हर किसी के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर वो बैंक का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहे तो वाकई बन सकता है। जैसे कि मैं खुद एक मिसाल हूँ, मैंने शुरुआत अपने ज़िंदगी की बैंक का 50,000 का लोन ही लेकर शुरुआत की थी, और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जिस 50,000 लोन के लिए मैंने करीबन 1-1.5 महीने लोगों के दरवाजे पे अपने चप्पले घिसे, और आज मैं भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर हूँ। इस समाज की बुनियाद है स्त्री, और जिस तरह एक मजबूत बुनियाद पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है, उसी तरह एक बेहतर समाज के लिए स्त्री का सक्षम होना, उसका अपने पैरों पर खड़े होना बेहद जरूरी है। जिस तरह से कल्पना जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक चौल से की, उसी तरह से हमारे बीच में एक सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक चौल से की, और आज वो 400 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बॉलीवुड की एक शख्सियत है जो पिछले कई सालों से हमारी हंसी का कोटा पूरा करते आ रहे हैं। 400 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जरिए हमें लाफ्टर की डोज देते आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द किंग ऑफ कॉमेडी जॉनी लीवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्त्री शक्ति के मंच पर। धन्यवाद जॉनी जी। आपने कल्पना जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा जी, जैसे कि इन्होंने अपनी जिंदगी को एक चौल से शुरू किया है और आज वो तरक्की के एक शिखर पर पहुंची हुई है,
और आपने भी अपनी जिंदगी चौल से ही शुरू की है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाभी, इनके बारे में इतना कुछ सुना मैं, और मैं भी इनको देख करके बहुत ही अच्छा लगा, और वाकई इन्होंने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है, इन पर तो पूरे देश को गर्व करना चाहिए। आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी शुरू करी। आज आपने 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं, और मैं खुद भी आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि एक एक्टर बनूँगा, मगर शौकिया बचपन से डांस वांस करते थे हम लोग। मेरा जन्म हुआ है धारावी, मटुंगा लेबर कैंप। ये धारावी का 90 फीट रोड टच एरिया जो है, वहाँ बैठी चाल होती है ना हमारी, वहाँ पे भी मेरा जन्म हुआ है। ऐसी जगहों पे क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट के ज़रिए जीते हैं, उनको कुछ ना कुछ, जैसे टेप रिकॉर्ड बज रहा है, कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है, कहीं रिकॉर्ड डांस चल रहा है, कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में यही है, बस उसी से जीते हैं बेचारे। तो हर जगह लाउड स्पीकर चलता रहता था, तो मुझे डांस का शौक़ पैदा हुआ, हर जगह डांस के प्रोग्राम्स होते रहते थे। स्कूल से आता था, काम भी करता था, और काम करके फिर लुंगी और बनियान लेके महमूद सबक उनके गाने पर डांस करने भागता था। जब आप चौल में रहा करते थे, तो वहाँ पर आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ती थी चौल में रहते हुए? देखिए, समस्याएं तो बहुत थी, क्योंकि मैं जब 10 साल का था तो मुझे घर को संभालना पड़ता था जी। मैं स्कूल से आता था और दारू के अड्डे पर काम करता था। दारू के अड्डे पर पहले ऐसा नहीं कि दारू का अड्डा तो बड़ी बड़ी बात है। दारू के अड्डे के बाद चकना बेचता था ना, चने वगैरह, अंडे, वजड़ी पता है क्या होता है? बकरे का पेट, उसको वजड़ी बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है वो, बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी होता है। इसको बांद्रा कसाई खाने से मैं लाता था। मैं 10 साल का था तो थैली में चार चार वजड़ी डालता था, 8 वजड़ी, एक एक वजड़ी इतना होता था। उस वक्त 12 आने का वजड़ी मिलता था, 12 आना। आज पता नहीं कितना होगा, आज पता नहीं, 100, 200, 300, 500 रुपये हो सकता है। 12 आना और 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.25 रुपये की उजड़ी होती थी। तो उजड़ी मैं ले करके बांद्रा स्टेशन से, मतलब वो जो स्टेप्स है ना ऐसा दोनों थैली, फिर रगड़ लगड़ के, फिर पीछे डाल के ना, फिर उतर के, फिर उसे उतर कैसे कैसे करके मिल जाता था मेरे को। वो एक वजड़ी पे 4 आने मिलते थे। मैंने 8 वजड़ी लाए तो 2 रुपये मिल गए मेरे। क्या बात है, 2 रुपये में। आपको पता है 2 रुपये में क्या करता था? 1 रुपया आपको 14 आने का चावल मिलता था, 1 किलो 14 आना का, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल 14 आने का, तो वह 1 रुपये का भी मिलता था। 14 आने का चावल इसलिए लेता था, तो बाकी जो 2 आने ना उसमें टमाटर, प्याज और 1-2 मिर्ची उसकी चटनी बनाने के लिए, वो 2 आने में ले लेते थे। अच्छा। और चटनी और चावल खाते थे। और फिर मैं बाद में बहुत पैसे कमाने लगा था, और जो कुछ कमाता था अपने गरीब दोस्तों में दे देता था, क्योंकि मुझे पता होता कि भूख क्या होती है, घर में खाना नहीं बनना, कई बार तो चावल और पानी नमक के साथ खाते। आपकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, तो क्या आपको आज भी इस बात का मलाल होता है कि मतलब? बिल्कुल, इस बात की बहुत तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि उसके बाद तो मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मैं जब अब्रॉड जाता था 79 में लंदन गया या अमेरिका गया, तो हम लोग जब इमिग्रेशन के लिए जाते थे बीमार पड़ जाते थे, ये क्या पूछेगा इंग्लिश में अरे भरत आने यार, प्लीज खड़ा रहना यार, यार भैया संभालना यार मेरे को यार, ये हालत। स्टेज पे सूट वूट पहन के आ रहे हैं आपके सामने जॉनी लीवर, और यहाँ पे ऐसी हालत होती, अब ये क्या पूछ लेगा, क्या 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 जवाब दूँ मैं, कुछ नहीं आता। मुझे भी इसी तरह प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, और जो 2-4 लोग जो मेरे साथ में थे, तो मुझे फॉर्म भरना था इमिग्रेशन का फॉर्म, तो ज़रा प्लीज़ भर दीजिएगा ना, तो उनको बड़ा, हम अपना भरे तुम्हारा भरे, मतलब इस तरह से किनको, उनको अच्छा, तब मैंने सोच लिया नहीं तो ऐसे नहीं देखते हाँ, जैसे बहुत बड़ी कोई लेकिन पढ़ाई जो है ना, आज भी मैं मिस करता हूँ।
वो समय जो होता ना बचपन में, उस समय पढ़ना बहुत जरूरी है जी। वो परफेक्ट समय है, करेक्ट समय है। कल्पना जी एक बात बताइए, आप भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, तो जैसे जॉनी जी ने बताया कि वो आज भी बुक्स ला के पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, तो क्या आप भी इस तरह की कुछ कोशिश करते हैं या आपको मलाल होता है या आप कैसा महसूस करती हैं? कि मैं भी बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बहुत पढ़ लिख लेती तो शायद मैं कोई डॉक्टर, वकील या कोई टीचर इसी तरह से होती, एक बिजनेस वुमेन ना होती। तो कहने का मतलब ये है ना कि कभी कभी कहते हैं ना, हमारे इसमें कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज हमारे साथ ये जो दोनों हस्तियां हैं, कल्पना जी, जॉनी जी, आज इनके पास मेरे ख्याल से एक नहीं दो दो बंगले होंगे, मे बी तीन, लेकिन इन्होंने अपने वो चौल का वो घर आज तक नहीं छोड़ा। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि इस बात के पीछे क्या कनेक्शन क्या है, आपके पास भी आपका वो चौल का घर आज भी है और आपने भी रखा है उसको, बेचा नहीं है ना किसी को, आई थिंक आपके पास ही है, तो इसके पीछे क्या राज है, मतलब क्या सोचते हैं आप? आदमी शराब पीता है ना तो उसकी हैंगओवर दूसरे दिन तक रहती है, खुमार। तो हमने गरीबी पी है, उसका हैंगओवर आज तक अभी तक है, वह हैंगओवर गई नहीं है। आदमी उन दिनों को याद करते हैं, अपने पुरानी जगह को याद करते हैं, वहाँ जाते आते जाते रहते हैं, इससे क्या है हम लोग बैलेंस रहते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइए कल्पना जी। आप बिल्कुल सही है जैसे कि जॉनी जी ने कहा है, तो ये जो अटैचमेंट है हमारी, क्योंकि वहाँ से हम यहाँ तक का सफ़र हमने जो पाया है और एक मंजिल को हमने जो पाया है, तो शुरू तो हमने वहीं से किया था, इसलिए हम उसको नहीं भूल सकते। इसलिए जब भी हम वहाँ जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज अगर मैं चाहूँ तो मैं कुलाबा में रह सकती हूँ, लेकिन अभी भी मैं कल्याण उल्लासनगर में इसलिए रहती हूँ कि वहाँ ये सारी यादें तो खैर मेरी है ही है, लेकिन मैं जो लोगों के लिए काम करती थी, समाज के लिए काम करती थी, वहाँ के स्लम में रह के तो मैं बड़ी हुई हूँ, तो स्लम के जो ये बच्चे हैं जो आए हैं कल्याण उल्लासनगर से, तो मैं तो मर्चुडी से आ जाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको आने के लिए मेरे पास तकलीफ हो जाएगी। तो मैं वहाँ जो रहती हूँ तो एक अलग सा अटैचमेंट भी है और इनके काम भी मैं आसानी से कर सकती हूँ। आप दोनों हस्तियों से इस दुनिया में बहुत लोग प्रभावित हुए, लेकिन कल्पना जी से एक इंसान, एक शख्स ऐसे हैं जो कल्पना जी से इस तरह से प्रभावित हुए हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो आत्महत्या करने वाले थे, पर कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने जीने की इच्छा फिर से जगाई, और वो वजह क्या थी? कल्पना जी। तो आज हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे ये सब कैसे मुमकिन हुआ। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहले मैं आप दोनों जन को दिल से नमस्कार करता हूं, जो हमारे जैसे लोगों के आप प्रेरणा स्रोत हो। मुझे आज भी याद है, बिजनेस सर्विस में सब लॉस हो गए, दोस्त मुंह छुपा कर भाग जाते थे, अरे भैया कुछ मांग लेगा। रोज घर में पप्पा ये नहीं है, पप्पा वो नहीं, आज सामने वाले का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब मनाओगे। 30 अप्रैल को छोटी बच्ची का जन्मदिन होता था, तो मैं बोला ठीक है बेटा अगले साल हम मनाएंगे। तो मैंने तीनों बच्चों का एक मंदिर में जाके एक साथ बर्थडे मनाया। सेकेंड डे मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, बच्चे लोग को जहर खिला के मार देता हूँ और फिर मैं मर जाता हूँ। फिर मैं रात को ये अच्छा प्लान किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, बच्चों को सोते देखा, तो मैं बोला यार इनको मार के क्या फ़ायदा है। यहाँ से मैं लोनावाला कैसे पहुँच गया मुझे पता नहीं, और मेरे जेब में मात्र 17 रुपये पड़े थे, मुझे आज भी याद है। मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे आज वापस नहीं जाना, सुसाइड करना है। थोड़ा सा बारिश होने लगा, मैं एक मोटरसाइकिल मेरी किनारे खड़ा की, और जैसे कि शरीर मोटा है तो मुझे खाने को भजिए की खुशबू आई, कांदा भजिया बन रहा था, बोला यार जब मरना तो एक प्लेट भजी तो खा लेते कम से कम, पेट भर के मरे। तो वहाँ पर मैं बैठा, उन्होंने मुझे कुछ 8 या 9 रुपए की भजी थी, उन्होंने मुझे दिया। मुझे आज भी याद है वो पेपर, आज का आनंद पेपर था, उन्होंने पेपर फाड़ के मुझे भजिया दिया। तो पूरे मैटर में तो भजिया पड़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा था, एक चेहरा नज़र आ रहा था, छोटा सा मेरे ख्याल से पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो था, तो लेडीज़ का फ़ोटो। मैं बोला यार क्या है, ज़रा पढ़ ले, इतना बड़ा कॉलम है, कॉलम में क्या है, इतना बड़ा क्यों लिखा है? मोस्टली कुछ होता है तो छोटा मोटा टॉपिक होता है। मैंने वहाँ पे पढ़ा कि एक मैडम है ऐसी ऐसी है, तब तक मैं मैडम के बारे में ना सुना था, ना देखा था, ना जाना था, कोई किसी चीज़ की बात नहीं।
जब वहाँ मैंने उस चीज़ को पढ़ा कि 2 रुपये कमाने से लेके 2000 का एम्पायर खड़े करने वाली लेडी, दो हज़ार करोड़ कमाने वाली ये लेडी जब ऐसा कर सकती, तो मैं एक आम आदमी तो हूँ, लेकिन एक आदमी हूँ वो लेडी की हैसियत से कर सकती, तो मैं क्यों भाग जाऊँ? मुझे ऐसा लगा मैं सुसाइड नहीं करना है। और उसी वक्त उस चीज़ को मैंने कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा। वहाँ से फिर मैं 3-4 बजे तक निकला, 3 या 4 बजे वही दुकान पे बैठा रहा सोचता, फिर निकला। पता नहीं मैंने मैडम को इनसे पूछ के कल्पना सरोज कौन है, कमानी टायर कौन है, कैसा है, ऐसे करते करते मैं मैडम के ऑफिस में पहुँच गया। दिवाली कुछ दिन के बाद होने वाली थी, मुझे आज भी याद है। उस दिन मैं यहाँ से उनके पास से मैं निकला। निकलने के बाद मैंने एक चीज़ सोचा, मुझे भी कुछ करना। मैंने एडवर्टाइजिंग बिजनेस में मैंने हाथ आजमाया। आज मेरा करीब करीब मार्केट में 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बड़ी बात है। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को देख के हमारे कई लोग, हमारे दर्शकगण बहुत प्रेरित होंगे। तो जॉनी जी, कल्पना जी, हमारे स्टूडियो में कुछ चौल से बच्चे आए हुए, मैं उनको मौका देना चाहूंगी कि वो आपसे कुछ सवाल पूछे, आपसे बात करें। जी हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, मेरा नाम विशाल सुरेश कान है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तकदीर बदलनी हो तो सोच बदलनी ज़रूरी है, तो आपके हिसाब से हम जैसे चौल वालों को हमारी कौन सी सोच बदलनी चाहिए? जितने हमारे स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनसे मेरी विनती है, अपने बच्चों को पढ़ाए, वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ाई एजुकेशन से क्या होता है, अब बड़े बनते हैं आपको दुनियादारी का पता चलता है, डिसिप्लिन सीखते हैं आप, तौर तरीके आपके समझ में आती है। आपने भी तो करियर में मतलब एक्टिंग में अपना टैलेंट दिखाया, हुनर, तो आप एक्टिंग में चले गए, तो हम गरीब बच्चों को क्या करना चाहिए जो कि हमारे हम पढ़ नहीं पाए? अपने काम से मोहब्बत करो, अपने काम को 100% दो, देखो वो काम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो बस अब हम एक आखिरी सवाल पूछ सकते हैं, तो कौन है जो पूछना चाहता है? मुझे वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है, मैं भी एक चौल में रहता हूँ, आप भी एक चौल में रहते थे, तो आप जितने मेरे जितने थे तो आपको क्या क्या अच्छा लगता था? मुझे उसल पाव अच्छा लगता है। थैंक यू सर। मैं उसल पाव पे याद आया, मुझे बताऊँ आपको, एक बार ऐसे ही मैं जब 10 साल का था, दारू के अड्डे के पहले, अच्छा, मैं ऐसा निकला कि मैं कुछ करूँगा, कुछ काम करूँगा। क्या काम करूँ, क्या काम करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो करूँगा, मुझे कुछ करना चाहिए। करते करते 3 सेकंड चलता हुआ दादर स्टेशन आया, तो अब मैंने कुछ हमालों को देखा हमाली करते हुए, तो मैं बोला मैं भी करूँगा। मैं गया, वो छोटा सा बच्चा 10 साल का, अब क्या उठा सकता हूँ? एक कोई मैडम थी, वो अपने हाथ में कोई टोकरी लेकर आ रही थी, छोटी सी टोकरी, तो मैंने कहा मैं ले लूँ, तो मेरे को देखी, उनको पता नहीं क्या लगा, हाँ क्या, चार आने दी मुझे, चार आने, मैं खुश हो, रहे बाप रे बाप, चार आने, अब और चलो। तो वो आपकी जिंदगी की पहली कमाई थी चार आने। मैं वापस गया, मतलब एक और टोकरी वोकरी देखता हूँ, अंदर आया तो एक कूली देखा, ए कौन है, चल चल, दिखना नहीं, क्यों? मैं निकल गया। दादर स्टेशन के बाहर निकलते ही ब्रिज के नीचे एक होटल है, हिंदू होटल, वहां मैंने पहली बार उसल पाव खाया, उचारा नहीं, क्या बात, दबा के उसल पाव खाया, वो खुशी कुछ और ही होगी। उसल और 15 पैसे का पाव, 10 पैसे का उसल। उसके बाद मुझे उसल पाव से इतना प्यार हुआ कि आज भी हम लोग शूटिंग करने जाते हैं फिल्म स्थान या फिल्म सिटी, अपने बॉय से बोलता हूँ उसल पाव ले गया। थैंक यू जॉनी जी, थैंक यू कल्पना जी, आप दोनों से हमारे दर्शकों ने हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और हमारे लोगों से मुलाकात करवाया, उन लोगों से बात करवाई जी, धन्यवाद। तेरी जीत इस कायनात की झोली में उधार है, जा छीन ले उस सपने को जिस पर तेरा अधिकार है। कल्पना जी और जॉनी जी की जिंदगी
उनका संघर्ष, उनका नज़रिया और उनकी जीत हमें यही सिखाती है, उनके कुछ नहीं होने से बहुत कुछ बनने की ये कहानी सबके लिए एक मिसाल है। अगर आप में से भी किसी महिला ने समाज को सुधारने या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए स्त्री शक्ति का परिचय दिया है तो हमें बताएं, हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, सपना ने जिस गांव को गोद लिया है उसका नाम पालीगांव है। और हमारी आज की विजेता हैं राशि सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से। और अब जाते जाते आज के एपिसोड से उससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। सवाल है, कल्पना जी और जॉनी लीवर जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत किस जगह पर रहकर की? अगले हफ्ते मिलेंगे एक ऐसे ही स्त्री शक्ति से जिसने साबित किया है, किस्मत ना अच्छी होती है और ना बुरी, वो बस वैसी ही होती है जैसी हम अपने कर्मों से उसे बनाते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, मुझे समीक्षा को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। बिल्कुल छोटी सी पंक्ति में कहूँ कि लव फॉर आउटडोर्स। मुझे कहा गया कि आपका जीवन अब एक बिस्तर पे व्यतीत होगा, आप चल नहीं सकती, आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं अपनी दोनों बेटियों की आंखों में एक अपंग माँ की छवि लेके नहीं जीना चाहती थी। हौसले, मेरे हौसले, मेरे संग चले, मेरे हौसले, हौसले, मेरे हौसले, मेरे संग चले, मेरे हौसले।